सबसे पहले तो हम आप सबको नमस्कार करते हुए काशी के विद्वान मीडिया को, मैं आप सबको बता दूं कि मैं माँ विंध्यवासिनी का दर्शन और बाबा विश्वनाथ जी का पूजन करके मैंने अपनी मन्नत पूरी की है जो हमने बिहार चुनाव के दौरान मांगी थी। वैसे भी आप सबको पता ही है, काशी के सभी लोगों को, कि मैं कहीं भी रहूं, मेरी शक्ति स्थली माँ विंध्यवासिनी का दरबार है, माँ शीतला का दरबार है और बाबा विश्वनाथ जी के धूल लगा कर ही हम लोग हर जगह अपने कार्य की शुरुआत करते हैं और उसमें लक्ष्य भी पा ही रहे हैं। अपनी सच्चाई से जितना कोशिश करना है चल सकते हैं, चल रहे हैं। तो मैंने कल माँ विंध्यवासिनी का दर्शन किया विंध्याचल जाके, और कल ही शाम लगभग 3:45 बजे हमने बाबा विश्वनाथ जी में रुद्राभिषेक भी करने का मौका मिल गया। बड़ा भव्य पूजा भइल और हम बहुत कृतज्ञ हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिर से दिल्ली की स्थिति थोड़ी गंभीर हो रही है, लेकिन ये सब अरविंद केजरीवाल का ही किया धरा है। ये तो पहला भी जब कोरोना का अटैक था तो अरविंद केजरीवाल घर से बाहर नहीं निकले। आप भी चैनलों पे देखते होंगे, ये पूरा अपने कमरे को बंद करके और एक ठो खाली कोई आईडी लगा के, वो भी जो आईडी लगाता था वो 100 मीटर दूर खड़ा होता था और तब जाके वो आके आदमी केवल एडवर्टीजमेंट करता था। अमित शाह जी को, जो कि आप जानते हैं वो स्वास्थ्य की चुनौती है उनकी, फिर भी वो LNJP हॉस्पिटल कोरोना हॉस्पिटल में आए, 10,000 बेड नए बनाए, एजेंसियों को तैनात किए, वो ITBP के डॉक्टर्स को लगाए, दिल्ली को बचाए। अब इसके बाद जबकि बचा लेनी चाहिए तो दिल्ली को, तो शराब की दुकान खोलने में बहुत इंटरेस्ट था अरविंद केजरीवाल का, वो साप्ताहिक बाजार खोलो, लेकिन एक कोशिश नहीं किए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। तो ऐसी स्थिति में हम सबको मिलकर के दिल्ली को बचाना होगा। अमित शाह जी एक बार फिर से गृहमंत्री जी पूरी मीटिंग किए हैं, लेकिन हमें जहाँ तक समझ में आया ना कि सबकी सजगता के साथ मेन इस समय वो छठ पूजा पे अटैक कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सोशल डिस्टेंसिंग में आजकल मंदिर भी खुला है, मस्जिद भी खुला है, गिरजाघर भी खुला है, साप्ताहिक बाजार भी खुला है, शराब की दुकान भी खुली है, लेकिन छठ नहीं खुलेगा, छठ का त्यौहार बैन रहेगा दिल्ली में। ये कुछ उनकी साजिश है, थोड़ा वो उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों से और ख़ासतौर से अभी बिहार के जीत हार से थोड़ा नाराज हैं, इसलिए छठ पे आरोप अपना पूरा अटैक किए हैं। मेरी प्रार्थना है अरविंद केजरीवाल जी ऐसा मत करो, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा छठ के लोग ही करते हैं, प्रसाद की शुद्धता भी वो मना ले जाते हैं, नहाए खाए से लेके और अंतिम अर्घ तक वो कैसे स्वच्छता होगी वो भी निभा लेते हैं। इनको छठ करने दो, ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही करेंगे। मुझे लगता है कि वो कुछ कारणों से उत्तर प्रदेश बिहार से अभी नाराजगी प्रकट कर रहे हैं अपनी, तो अब उसका तो कोई हल नहीं मेरे पास। नहीं, सार्वजनिक नहीं कह रहा हूँ, छठ पूजा को भी नियंत्रित नियमों के तहत करने की अनुमति देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छूट दे दो, लेकिन अगर नमाज अदा हो सकती है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मंदिर खुल सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, साप्ताहिक बाजार खुल सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, तो छठ पूजा ही क्यों नहीं सोशल डिस्टेंस विद सोशल डिस्टेंसिंग विद ऑल नॉर्म्स, प्लीज अलाउ टू डू छठ। इतना मेरा प्रार्थना है। देखिए, उत्तर प्रदेश हो बिहार हो, ये बहुत बड़े स्टेट हैं। उत्तर प्रदेश तो बहुत ही बड़ा स्टेट है और बिहार भी अगर दूसरे तीसरे नंबर पे हम देखें देश में तो बिहार की आबादी क्षेत्रफल आता है, तो इसलिए डिप्टी CM रखने का प्रावधान है और बिहार में बड़ी खास बात ये हुई है कि बिहार की महिलाओं ने, माताओं बहनों ने NDA को विजय दिलाई है। सारे लोगों का सहयोग है लेकिन महिलाओं की मतदान में करीब 8% इजाफा हुआ है
और वो रिजल्ट एनडीए के पक्ष में गया, तो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने रेणु देवी जी को डिप्टी सीएम बना के बिहार के इतिहास में पहली बार एक बहुत ही सुंदर सुखद कदम बढ़ाया है, जिसमें हम कहते हैं नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा कार्य बिहार में हुआ है, और ये बिहार की माताओं बहनों को एक रिटर्न गिफ्ट भी है चुनाव का। और बाकी तारकिशोर जी हमारे डिप्टी सीएम हुए हैं, जैसा हमने पहले से कहा था, बिहार में हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी हैं और वो मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। ये जो 5 वर्ष है वो आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर बिहार की कल्पना के साथ हम लोग साकार करने वाले हैं, और हमारी चुनौती जो है कि हर हाथ को काम हो वो हम करके रहेंगे 5 वर्षों में, ऐसा हमारा लक्ष्य है। ये कहेंगे बराक ओबामा भाजपा का सदस्य है इन लोगों का कोई, अरे भाई बराक ने बोला सो बोला, कपिल सिब्बल क्यों बोल रहे हैं? कपिल सिब्बल तो कांग्रेस के हैं ना, तो उनको क्यों लगने लगा कि ये राहुल गांधी और परिवारवाद कांग्रेस को खत्म कर रहा है? आज उनके एलाई थे ना शिवानंद तिवारी, वो क्यों बोल रहे हैं कि ये चुनाव में पिकनिक मना रहे थे? हम तो मना रहे थे, तो कह रहे मना रहा था। तो जब आपके एलाइज आपको मानने को तैयार नहीं है, और अब हमें पता है कि तेजस्वी का जो भी फ्यूचर नष्ट किया उसमें भी राहुल गांधी का हाथ है, अखिलेश का फ्यूचर नष्ट किया उसमें भी राहुल गांधी का हाथ है, लेकिन कुल मिला के बराक क्या बोलते हैं, बराक अपने अनुभवों के बाद इतने दिन के बाद एक किताब लिखे हैं, और किताब लिखना और अपने कोई अपने व्यक्ति का अंतिम समय में दिया हुआ स्टेटमेंट एक समान ही होता है। बुक में जीवन भर की सच्चाई लिखे हैं। हमको तो लगता है बराक ओबामा, असल में हमको दुख हुआ जब बराक ओबामा ने राहुल को ऐसा बोला, तो हमें दुख हुआ कि देश में तो जो बेइज्जती कराओ तड़े वो विदेशों में बेइज्जती करावे लगने, एक से हमने की बड़ा दिक्कत महसूस होता थे। राहुल गांधी देश के बड़े नेता हैं, कृपया देश की बेइज्जती न करें। उनकी बात को कई लोगों ने गलत समझ लिया। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का भाव है कि हम कार्यकर्ता हर हाल में हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें बहुत कुछ दिया है बीजेपी ने, तो अब जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति बन गया तो वही बना रहेगा। यहाँ पे मनोज तिवारी जैसा व्यक्ति भी आता है और प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है अपनी मेहनत से। तो सुशील मोदी जी बड़े अच्छे मन से सबको स्वीकार किए हैं कि हमको अभी तक जो मिला वो बहुत अच्छा मिला, और आगे भी सुशील मोदी जी का उनके क्षमता का अच्छा सदुपयोग पार्टी करेगी। देखिए मेरे पूरे देश के लोगों को याद रखना चाहिए, हम काशी में बैठे हैं, काशी में हमारे एक मित्र हैं मुर्तजा जाफरी जी, उनके दादाजी ने एक शेर लिखा था कि अपनी इज्जत आबरू तौकीर दे सकते नहीं, जान दे सकते हैं हम कश्मीर दे सकते नहीं। इसी शहर के हमारे डॉक्टर सलीम राही जी थे, रेडियो के बहुत बड़े अधिकारी थे, और उन्होंने एक कविता लिखी थी कि शेर के पंजे से कोई उसकी शमशीर छीन ले, शेर के पंजे से कोई उसकी जागीर छीन ले, शिकारी के हाथ से कोई उसकी शमशीर छीन ले, एक भी हिंदुस्तानी के रगों में खून है जब तक, किसकी मजाल है जो हमसे हमारा कश्मीर छीन ले। मैं डॉक्टर सलीम राही जी को याद कर रहा हूँ। ये भारत ऐसी ही भावनाओं से बना है। गांव के किसी कोने में निकल जाइए, कह दीजिए कि दूध मांगोगे तो लोग कहेंगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो लोग कहेंगे चीर देंगे। उस देश में राहुल गांधी को भूल हो गई देश को समझने में कि वो गुपकार गैंग के साथ मिल रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में देखिए पंचायतें चला रही हैं जम्मू कश्मीर को, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए इतने वेग से और इतनी उल्लास से लोग निकले कि जम्मू कश्मीर के पंचायत के चुनाव में एक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बहुत लोग लड़े, लेकिन
जो लोग अभी तक कब्जा किए हुए थे, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो अब उमर अब्दुल्ला हो, चाहे उनके पिताजी हो, असल में जो अपना पेट भरने के लिए काम कर रहे थे, अब विकास की धारा अनाज राशन सबके पेट तक पहुंच रहा है, तो इन चार पांच लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये गुपकार गैंग उन्हीं का देन है। और मैं आपको बताऊं, मैंने अभी मैं लगातार संपर्क में भी हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम सब के अभिभावक के रूप में रहे और हमारे देश के एक बड़े ही बड़े नेता मनोज सिन्हा जी LG हैं। आज जो स्पीड है जम्मू कश्मीर की, उससे परेशान होकर के जो चार पांच परिवार ये गुपकार गैंग बनाए, चाहे जो गैंग बना ले, नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर का उपकार करके ही रहेंगे। अमित शाह जी बिल्कुल एक एक घर में रोशनी पहुंचा के रहेंगे विकास की। और इन गुपकार गैंग से बहुत बाहर निकल चुका है जम्मू कश्मीर, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जैसे लोगों को पहचानना पड़ेगा जो बिहार में कन्हैया कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जम्मू कश्मीर में गुपकार गैंग के हिस्सा बनते हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।